हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगे। आज सुबह सुबह हम बना रहे थे नाश्ता, तो नाश्ते में आज हम बनाए थे अंडा और ब्रेड, तो ऑमलेट बनाए थे, तो बहुत यमी बना था। तो बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे और टाइम भी आप लोग को ज़्यादा नहीं लगेगा। और देखिए, एक अंडे से हम मतलब 4 ब्रेड बनाएंगे। तो आप लोग इसको बच्चों लोग को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। ये एक हम बॉल ले लिए छोटा, और ये एक अंडा है। इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक ले लिए थे, और ये आधी प्याज थी तो इसको हम बारीक चॉप कर लिए। ये 2 हरी मिर्च थी, इसको भी हम बारीक काट लिए। ठीक है, ये रही एक बॉल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक बॉल में हम एक अंडा डालेंगे। ठीक है, अगर आपको 2 लेना है तो आप 2 ले सकते हैं। हमको तो सिर्फ एक ही अंडे का ऑमलेट बनाना था, तो हम सिर्फ एक लिए। ठीक है, तो चलिए रेसिपी बताते हैं। ये देखिए, हरी मिर्च ले लीजिएगा, तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। और ये लाल मिर्च, नमक है, ठीक है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। ठीक है, ये रही प्याज। तो प्याज आधी थी, आधी से भी कम थी, तो इसको हम बारीक चॉप कर लिए थे। एकदम बारीक कर लीजिएगा आप, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, इस देखिए इस तरीके से चॉप कर मतलब मिक्स कर लीजिएगा चम्मच से। जितने अच्छे से आप मिक्स करेंगे आप मतलब ऑमलेट उतने अच्छे से बनेगा आपका। ठीक है, देखिए पूरा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और कुछ भी काली मिर्च का पाउडर भी डालना है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमको काली मिर्च का पाउडर नहीं पसंद, इसलिए हम नहीं डालें। ठीक है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो बहुत लोग को पसंद भी आता है। ठीक है, तो देखिए इधर हम तवा चढ़ा दिए। तवे पे हम ऑयल डाल देंगे। अगर आपको बटर यूज़ करना है, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑयल चढ़ाने के बाद देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे अंडा। ठीक है, देखिए अंडा डाल दिए। अच्छे से फैला लीजिएगा इसको चम्मच से। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए इसको फैला लीजिएगा। ठीक है, अब इस पर हम रख देंगे ब्रेड। ठीक है, तो अगर आपको 2 ब्रेड का बनाना है, आप 2 ब्रेड भी डाल सकते हैं। अगर आपको 4 ब्रेड का डालना है तो 4 ब्रेड भी डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक तरफ आप ऐसे पलट दीजिएगा, और हम पलट देंगे। ठीक है, अब इस पर हम दूसरी लेयर में 2 ब्रेड लगाएंगे। ठीक है, अब फिर हम इसको पलटेंगे। ठीक है, आप थोड़ा केयरफुल होकर पलटिएगा, आपका हाथ ना चले अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम बना लिए। और ये 5 मिनट का नाश्ता है, तो बताने में तो आप लोग को ऐसे लग रहा है सिर्फ 5 मिनट का, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आप इसको 5 मिनट बना के कहीं भी, अगर आपको जल्दी जल्दी है तो आप बना के अच्छे से आराम से खा सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा केचप के साथ खाएंगे। तो ठीक है, हम थोड़ा इसमें केचप ले लेंगे। तो देखिए हम इसमें थोड़ा केचप ले, केचप से अगर आप खाएंगे तो और यमी लगता है माशाल्लाह। तो चलिए, रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर ज़रूर करिएगा, और वीडियो भी पूरी देख के जाइएगा। तो बहुत ही यमी बना था अंडा ब्रेड। तो देखिए इस तरीके से आप लोग बनाइए और इसको केचप से खाइए, माशाल्लाह ये बहुत यमी लगता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।